कोरोना महामारी के इस भयंकर दौर में सरकार द्वारा स्कूलों को खोलने की सूचना के बाद बच्चों ने स्कूल पहुंचना शुरू कर दिया है। हालांकि सभी बच्चे अभी भी स्कूल नहीं आ रहे हैं और जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या अधिक है उन स्कूलों में स्कूल प्रशासन ने रोस्टर बना दिया है। इस रोस्टर के मुताबिक क्रम संख्या के मुताबिक एक दिन छोड़कर बच्चे स्कूल पहुँच रहे हैं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गलोड़ में तहसीलदार गलोड़ मीना ठाकुर ने औचक निरीक्षण किया। स्कूल में कोरोना से बचाव के उपाय की जांच की। तहसीलदार मीना ठाकुर ने कक्षाओं में जाकर बच्चों से भी बातचीत की व स्कूल प्रबंधन द्वारा स्कूली बच्चों को कोरोना से बचाव के लिए किए गए प्रबंधों पर प्रसन्नता भी जताई। स्कूल मुखिया मदन लाल बनियाल ने तहसीलदार मीना ठाकुर को कोरोना से बचाव के लिए स्कूल में बनाए गए नियमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में सरकार द्वारा व स्कूल प्रबंधन द्वारा कोरोना से बचाव के लिए किए गए पुख्ता प्रबंध सराहनीय हैं। उन्होंने बच्चों व शिक्षकों से कोरोना से बचाव करने व खुद को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए नियमों की सख्ती के साथ पालना करने की भी हिदायत दी। तहसीलदार मीना ठाकुर ने कहा कि आगे भी सभी स्कूलों में औचक निरीक्षण का क्रम जारी रहेगा और कोरोना से बचाव के नियमों और साफ सफाई की उचित व्यवस्था न पाए जाने पर उचित कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। उन्होंने सभी स्कूल मुखियाओं से अपील की है कि वे खुद के साथ साथ बच्चों का भी विशेष ध्यान रखें व कोरोना से बचने के लिए उचित शारीरिक दूरी व मास्क सैनिटाइजर या बार बार साबुन से हाथ धोने आदि के नियमों की पालना करें।